150 साल पहले बलरामपुर स्टेट राजघराने ने इस महाविद्यालय की स्थापना की थी। उद्देश्य था दुनिया को संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान देने का, लेकिन आज ये महाविद्यालय अपनी पदहाली के आंसू बहा रहा है। महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद संस्कृत महाविद्यालय की इमारत अब खंडहर में तब्दील हो गई है। प्लास्टर उखड़ चुका है, छतें गिरने लगी हैं और दीवारें जगह जगह से टूट रही हैं। महाविद्यालय के चारों तरफ जंगल उगाया है। यहाँ के बिल्डिंग से बहुत डर लगता है, क्योंकि ये गिर न जाए। योगी सरकार से क्या है, योगी सरकार की तो हम लोग बहुत ही कृपा मानते थे कि हम लोगों का बहुत कल्याण संस्कृत संस्थाओं का होगा, लेकिन आज तक संस्कृत पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए संस्कृत समाज, संस्कृत विद्यालय, संस्कृत छात्र सब स्थिति हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी तो है, लेकिन किताबें सड़ चुकी हैं। 200 छात्रों का रजिस्ट्रेशन तो है, लेकिन आते 2 ही 4 हैं। जो आते भी हैं, उनको खंडहर के नीचे बैठने में डर लगता है। जिम्मेदार तो 98 लाख बजट आने की बात करते हैं, लेकिन बजट कब खर्च होगा इसका किसी को पता नहीं है। बलरामपुर का ये पहला संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय पूरी तरह से बीमारू कगार पर है। ऐसे में तमाम बड़ी समस्याएं हैं, तमाम बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन छात्रों में और शिक्षकों में एक उम्मीद है कि किसी न किसी दिन सरकार सुनेगी और यहाँ पर भी वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी जो अन्य बड़े बड़े स्कूलों, मदरसों या अन्य कॉलेजों में होती हैं।